प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आप सभी से बात करूंगा वह यह है कि आप इंटरनल में अच्छे मार्क्स कैसे पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने लिखकर पूछा है कि सर ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे इंटरनल में हमें अच्छे मार्क्स मिले। बेटा देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे को, यदि वो रेगुलर क्लास में आ रहा है तो उसको 60 से 65% इंटरनल में मार्क्स अवश्य मिलता है। लेकिन अगर आपको 90% या इससे भी अधिक मार्क्स इंटरनल में पाना है तो निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पे साझा करना चाहूँगा कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है, ज़्यादातर सेंटर में दो मापदंड होते हैं। एक आपका टेस्ट होता है जो 20 नंबर का होता है और असाइनमेंट होता है जो 10 नंबर का होता है। दोनों मिला करके 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट ज़्यादातर सेंटर में किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटर पर कुछ अध्यापक या टीचर्स 3 मापदंड के आधार पर आपका इंटरनल असेसमेंट करते हैं, जिनमें वो असाइनमेंट 10 नंबर का लेते हैं, टेस्ट भी 10 नंबर का लेते हैं और 10 नंबर का प्रेजेंटेशन लेते हैं। इन तीनों क्राइटेरिया के आधार पर आपका बेहतर प्रदर्शन होता है तो आपको बेहतर अंक प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की या पॉइंट्स की बात करूंगा जिस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपको इंटरनल में 90%+ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत बात यह है कि आप टेस्ट में कितना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। आप टेस्ट बहुत अच्छा देते हैं और सभी आंसर से यदि आपके सही हैं तो टीचर्स बेटा अच्छा मार्क्स आपको हमेशा देने की कोशिश करते हैं। टीचर्स के नज़र में कोई भी बच्चे खराब या अच्छे नहीं होते हैं। आपका अच्छा नंबर होना आपके व्यक्तिगत जो प्रदर्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप टेस्ट बहुत अच्छा करिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप असाइनमेंट कितना बढ़िया बनाते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं। यानी जब भी आप असाइनमेंट लिखिए आप ध्यान दीजिए कि आप सुंदर बनाइए, स्पष्ट बनाइए, सभी आंसर को या जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप कंप्लीट आंसर दीजिए। ज़रूरत पड़े तो डायग्राम या फिगर भी बनाइए और संबंधित डेटा भी यदि ज़रूरत है तो आप उसको बना करके एक सुंदर और प्रभावशाली असाइनमेंट बना सकते हैं। कुछ बेहतर चीज़ें और जानना चाहते हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें और जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो सुंदर एवं प्रभावशाली असाइनमेंट कैसे लिखें को सुन सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रेगुलरिटी इन द क्लास। आप क्लास में कितना रेगुलर रहते हैं, आपका अटेंडेंस कितना है, इससे क्या होता है कि आप टीचर्स के हमेशा नज़र में बने रहते हैं और सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। चौथी चीज़ है एक्टिव इन द क्लास। सिर्फ क्लास में रहना ही नहीं है बल्कि यदि आप क्लास में हैं तो आप कितना समझते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कितना पूछते हैं, पूछने पर आप कितना जवाब देते हैं, कितना क्लास में आप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में होता है जो आपको इंटरनल असेसमेंट में अच्छा नंबर दिला सकता है। और पाँचवीं यदि हम बात करें तो वर्क इन टाइम। आपको दिए गए काम को आप कितना टाइम के अंदर करते हैं, यदि दिए गए काम को आप समय से नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके इंटरनल असेसमेंट पर। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो निश्चित रूप में आप यदि अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो यह आपके पिछले क्लास में भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के थ्रू टीचर्स देखते हैं, जानते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आपने पहले क्लास में बहुत अच्छा मेहनत किया होगा और अचीवमेंट आपका अच्छा रहा होगा, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा होगा तो इस क्लास में भी आपका परफॉर्मेंस और मेहनत अच्छा ही होगा। तो यह भी टीचर्स के नज़र में एक पॉजिटिव आपका इवेल्यूशन करता है और अच्छे नंबर मिलने में एक सहयोग करता है। सातवां यदि हम फैक्टर की बात करें तो अन्य गतिविधियों में आपकी सहभागिता कितनी होती है। आपका एकेडमिक पार्टिसिपेशन के अलावा कॉलेज में कई तरह की अन्य गतिविधियां भी होती हैं, आप उसमें कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और कितना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हम आठवें फैक्टर की बात करें तो कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट जो इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इससे ये पता चलता है कि आप लगातार और अस्थायी रूप से किसी भी चीज़ को सीखने के प्रति आप
ओरिएंट हैं, सीखने के प्रति आप अवेयर हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि हम नौवें फैक्टर की बात करें तो क्रिएटिविटी रिगार्डिंग टू सम स्पेशल डेज, कुछ विशेष दिनों पर आप विशेष रूप से कितना सृजनात्मक रूप से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर्स डे हुआ, या 15 अगस्त हुआ, या 26 जनवरी हुआ, या फ्रेशर पार्टी हुई, या फेयरवेल पार्टी हुई, ये कुछ विशेष तरह के दिन होते हैं जहाँ पे आप यदि कुछ स्पेशल तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं, काम करते हैं, तो यह भी टीचर्स के नज़र में आप अपना बेहतर इमेज बनाते हैं, इससे भी प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये कि आपका संबंध सभी बच्चों एवं टीचर्स के साथ कैसा है। यदि आपका संबंध सौहार्दपूर्ण है, ठीक है, आपके व्यवहार से सारे लोग खुश हैं, यानी आपने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे टीचर्स को दुख पहुंचा हो या वह दुर्व्यवहार के तरह से हो, तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, ठीक है। इन बातों पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको 90% से भी ज़्यादा नंबर मिल सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।